अस्सलाम वालेकुम गाइस, पिछले वीडियो में हमने प्रैक्टिस नाउ का क्वेश्चन बताया था और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर का। अच्छा जी, अब हम बताने वाले हैं एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 1। ऑलरेडी आप लोग कर चुके हैं प्रैक्टिस नाउ में, तो ऐसे ही आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग बता देते हैं। अच्छा जी, इसमें लिखा है इफ़ -6 रिप्रेजेंट 6 मीटर बिलो सी लेवल देन +30 रिप्रेजेंट। अच्छा जी, -6 रिप्रेजेंट कर रहे हैं 6 मीटर बिलो, तो ये सी लेवल देन बिलो देन सी लेवल +30 क्या रिप्रेजेंट करेगा अबव। इफ +40 रिप्रेजेंट्स डिपॉजिटिंग $40 in bank. Then withdrawal. Of 35 represented by क्या करेंगे, -35 कर देगा। जाहिर है जब डालने को 40 कह रहा है तो निकालने को क्या करेगा, -35 कर देगा। ठीक है जी, और थर्ड वन में है इफ -6 रिप्रेजेंट है क्लॉक वाइज रोटेशन। Of 60 degree, then +30 represent +30 क्या रिप्रेजेंट करेगा हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज। फोर्थ वन में क्या है इफ +45 रिप्रेजेंट है स्पीड। अच्छा, यहाँ पर लिखा है +45 रिप्रेजेंट स्पीड ऑफ अ 45 किलोमीटर पर आवर ऑफ अ कार ट्रेवलिंग ईस्ट। 45 पॉजिटिव ईस्ट पे गए तो -45 रिप्रेजेंट क्या करेगा, वेस्ट पे करेगा। ईस्ट का जो अपोजिट होता है दैट इज वेस्ट। जी, तो हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 2। इसी वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 भी कवर अप कर लेते हैं। दे आर रियली शॉर्ट क्वेश्चंस, बहुत छोटे छोटे और बहुत आसान हैं लेकिन समझने वालों के लिए। अच्छा जी, इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा है फिर
his box with greater or lesser. ठीक है जी, अब यहाँ पे है हमारे पास 16, 16, 3.1, 3.2, -6, 8, 30, -31, 9.8, -9.9. अच्छा जी, इसमें तो क्लियरली शो है 16 बड़ा है, 60 बड़ा है, 60 बड़ा है, 3.1 बड़ा है, 3.2 बड़ा है. देखें 3 के बाद जो पहला डिजिट है दैट इज़ 1, और 3 पॉइंट के बाद जो दूसरा पहला डिजिट है दैट इज़ 2. तो दिस इज़ अ ग्रेटर. अच्छा जी, माइनस में जो वैल्यू जा रही है, देखिए हमारे पास सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि दिस इज़ योर न्यूट्रल नंबर 1, 2, 3, 4. ठीक है, इधर वाले पॉजिटिव नंबर. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ से चलेगा -1, -2, -3, मतलब 0 से थोड़ा छोटा -1 है, उससे थोड़ा छोटा -2 है, उससे थोड़ा छोटा क्या है -3 है. ठीक है जी, अब हम अपनी वीडियो पे आ जाते हैं. तो अब आप देख सकते हैं 8 इज़ अ पॉजिटिव नंबर एंड -6 इज़ अ नेगेटिव नंबर, यानी कि ये काफ़ी छोटा है. जी -8 काफ़ी टाइम बाद जाके आएगा, और 8 यहाँ पे आ जाएगा. तो 8 इज़ अ पॉजिटिव नंबर, यानी कि इसमें काफ़ी डिफरेंस है, 8 बड़ा है हमारे पास. अब इसी तरह 30 -31, 30 इज़ ग्रेटर देन -31, क्योंकि ये पॉजिटिव भी नहीं है, ये नेगेटिव में भी काफ़ी पीछे जाके हैं. अब 9.8 -9.9 में क्या हो जाएगा, 9.98 इज़ अ पॉजिटिव और ये है नेगेटिव. ये तो ऐसी बात है, आपने किसी को उधार दिया हुआ है 9.8 का और उससे उधार ले लिया है -9.9 का, इतना फ़र्क है. तो दिस इज़ द ग्रेटर वन. होप यू विल लाइक माई वीडियो. हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कवर अप कर लिया है. पसंद आई हो मेरी वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और अगर कोई चीज़ में प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना ना भूलें. थैंक यू वेरी मच.